उससे मेरा आज ये हेयर शहीद हो जाएगा। तो अगर लग रहा है गाइस, आई डोंट नो व्हाई मेरा हाथ में ना स्ट्रेट है, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है यार। Hey my beautiful peoples, welcome back to my channel. I hope all you are doing good and welcome back to another exciting video. So guys, आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के अंदाज लग ही गया होगा कि आज मैं अपने हेयर को कर्ल करने वाली हूँ विथ मैचस्टिक। सोच सकते हो गाइस, मैचस्टिक से कौन हेयर कर्ल करता है। एक्चुअली गाइस क्या हुआ था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था, तब मैंने ईयरबड से अपने हेयर को कर्ल किया था विद एनी काइंड ऑफ इट नेचुरल कर्ल्स जो होता है वैसे मैंने ट्राई किया था। तो वहाँ पर एक जन ने मुझे कमेंट किया था, मैं वो कमेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक जन ने मुझे कमेंट किया था कि आप मैचस्टिक से भी ट्राई कर सकते हो, मैचस्टिक से भी कर्ल अच्छा होता है उन्होंने मुझे कहा था। तो वही मैच ट्राई करने वाली हूँ, पर मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा मेरा, लाइक हेयर जलने का रिस्क नहीं है पर मैचस्टिक से कभी किया नहीं है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ हैक है, तो मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ हैक्स करना भी बहुत पसंद है। तो लेट्स सी कैसा होता है, रिजल्ट कैसा आता है इसका। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, ये रहा मैच बॉक्स जो कहीं भी आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है, किसी के घर में भी हमेशा रहता है मैचस्टिक, तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। और एक चीज़ चाहिए जो है, सो गाइस दिस इज़ माय स्ट्रेटनर प्लस कर्लर प्लस क्रिम्पर। मैंने वेगा की तरफ से ख़रीदा था, वेगा जो हेयर स्ट्रेटनर है 3-in-1। तो ये रहा ये वाला, दिस इज़ क्रिम्पर, दिस इज कलर दिस पार्ट एंड दिस इज स्ट्रेटनर। मेरे पास ऑलरेडी कलर अवेलेबल है, पर गाइस मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेटनिंग की तरफ से हेयर को पहले मैचस्टिक लूँगी, उसके बाद राउंड शेप में घुमाऊँगी अपने हेयर में, उसके बाद उसे हीट करते रहूँगी विद अ स्ट्रेटनर, तब देखते कैसा कर्ल्स होता है। क्योंकि गाइस बहुत जन का घर में ऐसा भी होता है कि कलर नहीं है स्ट्रेटनर, मेरा तो है फिर भी कलर, बहुत जन के घर में ऐसा होता है कि कलर नहीं, जैसे पहले मेरा नहीं था, मेरे एक फिलिप्स का स्ट्रेटनर है, वो मेरा होम टाउन में है, तो मेरा बस मेरे पास था स्ट्रेटनर, कलर नहीं था। मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, परचेज़ किया है, फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आप लोग ईजिली इस हैक को करके कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैक्स हैं जो आप लोग ईजिली स्ट्रेटनर की मदद से और नेचुरल कर्ल करके भी कर सकते हो। वो सारा हैक्स मैं धीरे धीरे बताऊँगी, इस वीडियो में नहीं, कहीं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी इसका, ठीक है। तो हाँ, तो अभी ये हैक मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ विद अ मैचस्टिक। तो आई डोंट नो कैसे होगा रिजल्ट, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, और बहुत क्यूरियोसिटी भी हो रहा है। तो या विदाउट एनी फादर डू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दिस इज माय स्ट्रेटनर एंड ये हो रहा है गरम, ये ऑन हो चुका है मेरा स्ट्रेटनर, यू कैन सी, एंड दिस इज माय मैचस्टिक। इतना छोटू सा है गाइस, इसको मैं कैसे हेयर पे रोल करके, इसकी तरह से मुझे डर भी लग रहा है कि हेयर जल ना जाए, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि ये गर्म होता है ना स्ट्रेटनर, एंड ये जो है ना इसमें अगर कुछ लगभग गया तो मेरा हेयर तो गया, सोच सकते हो चला गया मेरा हेयर, मेरा ये हेयर नहीं रहेगा, वीडियो की तरफ से मेरा आज ये हेयर शहीद हो जाएगा। तो अगर मेरा हेयर शहीद हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो के इतने रिक्स लेके बना रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो गाइस इस तरह मैं पूरी तरह से कर्ल करूँगी अपने हेयर पे, रोल कर दूँगी मैचस्टिक को, ओके ऐसा मैंने रोल कर दिया है। उसके बाद मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई, मुझे डर लग रहा है, भाई है क्या हो रहा है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैचस्टिक बहुत छोटा रहता है, एंड मैच आप लोग देख सकते हैं मेरे हैंड में भी लग सकता था, स्ट्रेटनर गर्म है, ऑन है, स्ट्रेटनर से कुछ भी हो सकता है, हेयर में लाइक कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आई एम नॉट श्योर, मैं आई डोंट थिंक सो मैं इसे कर पाऊँगी, एक और दो बार ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता ये हैक काम करने वाला है, इट्स नॉट अ गुड हैक इवन, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, इससे लाइक कुछ होगा नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो गाइस मैं इस तरह रोल कर रही हूँ, अरे बाप रे हो ही नहीं रहा है, ओके हाँ
लग रहा है गाइस, आई डोंट नो व्हाई मेरे हाथ में ना स्ट्रेट है क्योंकि बहुत छोटा सा होता है, ऐसा कुछ कर्ल हुआ है. ओके, इतना भी कुछ खास कर्ल नहीं हुआ है गाइस, यू कैन सी. इतना भी कुछ खास कर्ल नहीं हुआ है इससे. फ्लॉप वाला हैक था, मुझे अच्छा नहीं लगा. और एक बार मैं ट्राई करूँगी, आफ्टर दैट मैं अपना वाला एक अच्छा रेकमेंड करूँगी, एक ब्यूटीफुल सा हैक इसी वीडियो में, ठीक है? क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लगा है तो मैं अपना वाला एक रेकमेंड करूँगी जो मैं रेगुलर बेसिस में यूज़ करती थी जब मेरा कलर नहीं था, एंड अभी भी कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ. तो अगर ये काम, मतलब और एक बार ट्राई करो, अगर वेल गुड से काम किया देन फाइन, अदरवाइज आई विल ड्रॉप इट एंड मैं अपना वाला एक अच्छा हैक आप लोगों के साथ. तो गाइज, दिस इज़ माई हेयर एंड मैं इस तरह कर्ल कर रही हूँ. ओके, घुमा रही हूँ दोनों साइड में. घूम क्यों नहीं रहा है भाई? इसे पकड़ के रख दूंगी कुछ टाइम तक. खुद ब खुद ही गिर गया एंड रिजल्ट आपके सामने है गाइस. ये कुछ ऐसा करके कुछ, आई डोंट नो ये क्या कर्ल है. ये नॉर्मल एक हेयर ऐसा हो चुका है, मतलब बेकार. ये वाला हैक फ्लॉप है. मैं आप लोगों से एक बेहतर वाला हैक शेयर करूँगी जो आप हमेशा विद अ स्ट्रेटनर आराम से कैरी कर सकते, कर भी सकते हैं, एंड इजी हैक है कोई रिस्क के बिना. तो प्लीज़ एंड तक देखिए. ये वाला तो फ्लॉप गया, ये वाला हैक बिल्कुल मत ट्राई कीजिए, एब्सोल्युटली घटिया हैक है. जो हैक मैं इस्तेमाल करती हूँ, पहले भी किया था एंड अभी भी करती हूँ, वो है पेंसिल कर्ल. लाइक हाँ गाइस, यू कैन ईजिली कर्ल योर हेयर्स विद पेंसिल. बहुत एक अच्छा वाला हैक है, बहुत एक बॉम्ब वाला हैक है. आप लोग खुद चौंक जाएंगे कि इतना अच्छा से हेयर कर्ल होता है विद अ पेंसिल. तो उसके लिए भी सेम आपको स्ट्रेटनर चाहिए होगा. मैं ये वीडियो जिन लोगों के लिए बना रही हूँ जिसके घर में स्ट्रेटनर है एंड आप इजीली स्ट्रेटनर की मदद से कर्ल कर सकते हैं. अगर आपके घर में स्ट्रेटनर नहीं भी है तो मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, आप कैसे नेचुरली अपने घर पे अपने हेयर को कर्ल कर सकते हैं विद ईजी मैथड. तो ठीक है, तो मैं इसका पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, हाउ कैन यू कर्ल योर हेयर विद अ पेंसिल एंड विद अ स्ट्रेटनर. इस सेक्शन से स्टार्ट करूँगी कर्ल करना. एंड आप लोग देख सकते हैं गाइस, वो मैच स्टिक से हो भी नहीं रहा था, एक छोटा सा मैच स्टिक था एंड उससे कर्ल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. इतना लंबा सा है ना, अगर आपको इतना सा भी है ना पेंसिल गन में उससे भी काम हो जाएगा, पर इतना छोटू सा कैसे काम. एंड नाउ वाओ गाइस, जस्ट सी द कर्ल, सो ब्यूटीफुल. सी द कर्ल गाइस, बहुत ही अच्छा. आप लोग के सामने रिजल्ट है, उस मैस्टिक से कुछ भी नहीं हुआ था एंड इससे इतना अच्छे से काम हो रहा है गाइज. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैस्टिक एंड अ पेंसिल. सो 1, 2, 3 एंड यू कैन सी द कर्ल गाइज. This is so beautiful. You can see my curls comparing both of the thing. बहुत अच्छे से किया है गाइज, बहुत अच्छे से. मैंने सोचा पूरे हेयर को कर्ल्स करूँगी, मैंने सोचा नहीं अभी पूरे हेयर को नहीं, बस थोड़ा बहुत कर्ल्स करूँगी. तो आई होप आपको ये कर्ल्स अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस. आप लोग अपने पूरे हेयर में भी कर सकते हैं. मैं जब भी कर्ल्स करती हूँ ना, कभी कभार पूरे हेयर्स में करती हूँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा हेयर्स में करती हूँ, थोड़ा सा वेव भी लगे, कर्ल भी लगे अपने हेयर को, स्ट्रेट भी लगे. तो इस तरह काइंड ऑफ मैं हेयर को कर्ल करती हूँ कभी कभार, एंड इट्स ये थोड़ा सा वेव भी लग रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो मैं ऐसा काइंड ऑफ ही कर्ल ज़्यादातर पसंद करती हूँ रैदर देन बहुत ज़्यादा कर्ल्स. तो आप लोग बहुत ज़्यादा अगर कर्ल्स पसंद करते हैं तो पूरे हेयर में भी आप लोग कर्ल कर सकते हैं.
मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी. मैं जस्ट आप लोग के सामने एक हैक लेके आई थी कि ये मैचस्टिक वाला हैक एंड विद अ पेंसिल कितना बोथ का डिफरेंस है. लाइक हाँ बड़ा है ये एंड ये छोटा है, पर ये नहीं होता है कि छोटा चीज़ बड़ा धमाका नहीं करता, करता है. पर ये फ्लॉप हो गया, ये छोटा चीज़ है तो ये बिल्कुल वैसा बात नहीं, पर ये काम नहीं क्या, मतलब रिस्क भी है इससे. मैचस्टिक है और अनइजी हो रहा था पकड़ने में, आप लोग देख सकते हैं. तो मैं ये हैक आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इससे कोई कर्ल भी नहीं हुआ था एंड इससे बहुत अच्छी तरह से कर्ल होता हुआ है एंड यू कैन सी द रिजल्ट इन माई हेयर. तो आई होप आपको ये मेरा जो ये मैंने हैक आपको बताया है कर्ल विथ पेंसिल आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन. एंड इफ़ यू लाइक मी यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया साइट्स. प्लीज़ गाइड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए. और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक में बना आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक में ज़रूर वीडियो बनाऊँगी. एंड बहुत जल्दी बहुत मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. एंड जिसने भी अभी तक मुझे हेल्प किया है उसके लिए थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए. और आगे आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. एंड या आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो.